विधानसभा चुनावों से पहले दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। नेता पार्टी बदल रहे हैं और पार्टियां गठबंधन बदल रही हैं। वर्षों तक जिस दल का झंडा उठाए आज उसी के खिलाफ ही मैदान में जाने की तैयारी हो रही है। 6 महीने बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इनमें से लोगों की सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश पर लगी है, क्योंकि जिसने यूपी जीत लिया उसके लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो जाता है। यूपी में पिछले 3 दशक से कोई भी दल लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आ पाया और विपक्ष इसे लेकर उत्साहित दिख रहा है। खासतौर पर सपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कई पार्टियों के नेता और विधायक सपा में शामिल हो रहे हैं। आज बीएसपी के 9 विधायक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी चुनावों की बिसात अब बिछने लगी है। हर दल की नजर यूपी पर है, क्योंकि यूपी जीत लिया तो 2024 में दिल्ली जीतने का आधा रास्ता तय कर लिया। यूपी की हार जीत का असर पूरे भारत में देखने को मिलता है, इसलिए चुनावों से पहले सभी दल अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी रूठे दलों को मनाने में लगी है, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिल पा रही। ओपी राजभर ने तो नड्डा से बात तक करने मना कर दिया, तो वहीं सपा के पाली में दूसरे दलों के लोग जा रहे हैं। बागियों की पहली पसंद सपा बनकर उभरी है। खास तौर पर पंचायत चुनावों में जिस तरह से सपा ने बीजेपी को हराया है, उसके बाद से तो लोग मानने लगे हैं कि राज्य में बीजेपी के विकल्प के तौर पर सपा सबसे ज्यादा मजबूत है। सपा कार्यकर्ता तो दावा करने लगे हैं कि 2022 में उनकी सरकार वापस आ रही है। अखिलेश यादव ने भी बड़ी जीत का दावा कर लिया। उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन करेगी, लेकिन केवल छोटी पार्टियों के साथ, किसी भी बड़ी पार्टी से अब गठबंधन नहीं होगा। हाँ, नेताओं के लिए सपा के दरवाजे खुले हैं। यदि वो समाजवादी विचारधारा को अपनाते हैं तो सपा में उनका स्वागत है। और अब बीएसपी के अधिकांश विधायकों को समाजवादी विचारधारा रास आने लगी है। बीएसपी के 9 विधायक आज अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। 1 सीट बाद में बीएसपी ने उपचुनाव में जीत ली, जिससे उसके सदस्यों की संख्या 20 हो गई। लेकिन बीएसपी के लिए चिंता की बात है कि उसके 11 विधायक बागी हो चुके हैं, जिसमें से 9 ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की। जिन विधायकों ने अखिलेश से मुलाकात की उनमें असलम रायनी, अजलीम अली चौधरी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिन, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल, वंदना सिंह, रामवीर उपाध्याय और अनिल सिंह के नाम है। वैसे मायावती इन विधायकों को पार्टी से निलंबित कर चुकी हैं और अब ये सभी विधायक जल्द ही सपा का दामन थाम सकते हैं। बीएसपी विधायक यदि सपा में जाते हैं तो इससे सपा को मजबूती मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि चुनावों के समय नेता उसी दल की ओर दौड़ लगाते हैं जिसके जीतने की उम्मीद नजर आती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।